बता जल्दी साई साई, क्या तकलीफ दे रहा था? मियाँ भी झगड़े लगा रहा था। हाँ जल्दी बोल। कमाई में उसके क्या कर दिया था तूने? गड़बड़ी डाल दिया था पूरी, हैरो बरकत उड़ा दिया था। हाँ और क्या तकलीफ दे रहा था? परेशान कर, क्या कर रहा था मालूम नहीं। तू? क्या तकलीफ दे रहा था उसको अंदर बैठ के, वो बोल मुझे। क्या तकलीफ दे रहा था? बोल जल्दी, मैं पूरा जला दूंगा। मालूम नहीं। कर दूं दो टुकड़े, कर दूं दो टुकड़े। अच्छा इसको मार दो बोले थे क्या? अम्मास में पूनम में कब मारने वाला था? सवाल के जवाब दे, मेरे इज्जत से जवाब दूंगा तो छोड़ूंगा ना, तो पूरा भस्म कर दूंगा। अच्छा कब मारने वाला था? अम्मास में पूनम में। कैसा मारो बोले थे? एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के कैसा मारो बोले थे? मार दो बोले थे, जैसा मौका मिला वैसा। हाँ हाँ अच्छा, शमशान से लाए थे, कब्रस्तान से लाए थे? मालूम नहीं। सही बोल। मालूम नहीं तो कमीने का दहेज में आगा क्या उसके? मालूम नहीं, मालूम नहीं। हाँ नालायक, झगड़ो उसको तेजी से। और कौन लाए थे? उसके मायके के तरफ के लोग थे, इसके क्या माँ की तरफ के थे, बाप की तरफ के थे, क्या ससुराल की तरफ के थे, किधर के, क्या कारोबार के लोग थे, कौन थे? बाप के तरफ, कौन थे? क्या बाप के तरफ दुश्मनी थी? क्या पता जायदाद की थी, प्रॉपर्टी की थी, फ्लैट की थी, घर की थी, झगड़ा था, क्या था? बयान करने तो मैं तेरे टुकड़े करा दूंगा बाहर से फौज बुला के। लाओ जंजीरा लाओ, उसको बंद के डालो तेज रफ्तार में। क्या करूं, काट दूं? बोल। नहीं। चल बयान कर, जल्दी बयान कर। क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी बता जल्दी। क्या दुश्मनी थी? हाँ क्या दुश्मनी थी? उसके बीवी को भी परेशान कर रहा था क्या? हाँ हाँ क्या परेशान कर रहा था? मालूम नहीं। मालूम नहीं, दहेज में लाया था डायलेक्ट कम वक्त। हाँ बोल। हाँ क्या तकलीफ दे रहा था? छोटी बच्ची को भी तकलीफ दे रहा था क्या वो? हाँ खाली मियाँ बीवी दे रहा था। अच्छा तो क्या बोलकर बोले थे तुझे? अब मरा तो तेरे हाथा काटते हैं दोनों भी तेजी के साथ में। बोल जल्दी। बता कौन थे वो, कौन दुश्मनी क्या थी? कुछ भी नहीं, फिर ऐसा क्यों कर दिया लोगों ने जादू? आगे नहीं बढ़ना, ही और पैसे नहीं रहना इनके पास, और परेशान रहना और बस, बारे मारे खेलना। अब नाम बता कौन थे वो लोग? नसीम, नसीम कौन होती इसकी? वो पप्पू है। पप्पू कहीं करती क्या अपने बच्चों को? झूठे बात कर रहा शैतान। हाँ हो सही बोल। सही, क्या ले गई थी इसका जादू चलाते वक्त? कुछ नहीं। क्या नाम है इनका? आजम। आजम का क्या ले गए थे? हाँ मट्टी, कपड़ा, शर्ट, पैंट, क्या लिए थे? झगड़ो उसके हाथों को तेजी साथ में झगड़ लो। हाँ बोलने तो काट के भस्म कर देता हूँ, जल्दी बोल। क्या ले गए थे? कुछ नहीं ले गए थे, ऐसा ही डायरेक्ट जादू चला दिए। घर से कुछ सामान ले गए थे। क्या सामान? पता नहीं, थैली में था लेके आए। अच्छा इसको कहीं में मिला खिलाया आजम को? हाँ खाने में, काय का खाना था? क्या था वो खाना? था क्या था? तारी। क्या तारी थी? कौन से कलर की? लाल, हरी? लाल। अच्छा तुम्हारे उधर लाल बनती क्या तारी? हाँ लाल मिर्च डाल के बनाते हैं। झकड़ लो तेज एक साथ में और तेजी से। चल तो बातों कर जल्दी, तोबा कर जल्दी दोनों हाथ उठा के। हाँ मुंह भी मार के तोबा कर जल्दी दोनों हाथ। मार मुंह में, बोल जबान से तोबा तोबा वैसा नहीं, जोर से चीख मार के तोबा तोबा तोबा, जोर से तोबा तोबा, और जोर से तोबा तोबा, लंबी चीख लगा तोबा तोबा, लंबी लगा तोबा तोबा। इतनी ताकत है तेरे में नालायक, अभी से ना तू जितनी ताकत होती लगा पूरी तोबा तोबा, जोर से।
करेगा लोगों को परेशान? देखा ना कितनी ताकत है यहाँ अल्लाह कलाम की, तो पूरा जला के राख कर लूंगा कमबख्त, दोबारा दिखना नहीं मेरे उसके आंग में, तू समझ गया ना? आओ उसके अलावा क्या बोलते थे, वो जो दवा है कहाँ बैठी है, उसके कलेजे पे है, पेट में है क्या, दिमाग पे, किधर है, खिलाए वाली कहाँ जाके बैठी वो? पेट में। ठीक है, वो सब निकाल दो उतारे के साथ में, इसके अंदर है दवा, और मार मार के इसको खत्म कराओ, नालायक कुछ सारी शक्तियों को। कितने साल हो रहे करके, कितने साल कितने साल से? ठीक है, तो बदलो का निकल भाई जा, दोबारा दिखना नहीं उसके आंग में। हाँ, अगर दूसरी उसके सारे परेशानियां दूर कर देना, जो भी काम तू बिगाड़ रहा, नमूसते लगा रहा, कर्जे में डाल रहा, वो सब दूर कराना मसले, समझ गया? चल दो अगर भाग, चल भाग जा भाई, चल फुर भाग भाई। ओए आसम भी पानी लो। سلم عليك يا رسول الله وحبيب ميرا طبيب ميرا। ये इसी बात रहती, ये जो हरकतें हैं ये लोगों को ऐसा लगता कि हमारे काम बन रहे नहीं, बिगड़ क्यों जा रहे, मेरी तरक्की रुक क्यों गई, क्या बात है, मैं लेजी क्यों होगा, तुम जो भी काम करने को जाते, तुम्हारे काम बनने से पहले चार कदम तुम्हारे से आगे, दो कदम तुम्हारे से आगे जादू टोना चलता, और तुम्हारे सारे काम बिगड़ा के तुम्हारे धीरे धीरे कर्जे में डाल के खत्म करा देता। मैं कोई कहानी और कोई किस्सा पढ़ के नहीं बता रहा, तुम्हारे प्रैक्टिकल में लाजू में बता रहा, जो दास्तान तो ये रहती है। ऐसे करके हरकतें, जिन्नाते, शैतान, बलाएं, रूहें, बदरूहें, ये बहुत अलग 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 दुनिया है, इसके अंदर बहुत 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 गहरा समंदर है। ये हर चीज इल्म जो रहता ना, हर मामले का इल्म एक समंदर है, वैसा ये भी इल्म बहुत बड़ा समंदर है जिसके अंदर अल्लाह रखे अल्लाह। लेकिन इन सब का निचोड़ एक ही कंक्लूजन, ये सब चीजों से बचना है, फिर इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। और मेरी एक बात हमेशा कान खोल के सुन लेना और गौर से सुनो, जो बात बताने जा रहा हूँ, तुम अगर कुरान पढ़ने को तुम्हारा दिल रोक रहा, जाने नहीं दे रहा नजदीक से, खिंचा हो रहा, और नमाज पढ़ने को जाना नहीं मालूम, समझ जाना कुछ गड़बड़ी हो रही, इसलिए फौरी ज्यादा से ज्यादा होके जाके पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि तुमको रोक रहा बोले तो समझ जाना तुम पे जादू चल गया, वो तुम्हें चला दिया, मगर रुकना नहीं, ज्यादा से ज्यादा जाके पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा इबादत करना। जब तुम इबादत करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तुम्हारा खालिक और तुम्हारा मालिक रब्बुल आलमीन जैसा हथेली में रई के दाने को कैसा देखता, फिर वैसा तुम आपको देखता, और जब तुम्हारा रब तुम आपको देखेगा जैसा हथेली में रई का दाना रख के देखते वैसा, तो फिर तुम्हारे रब की तुम पे नजर करम होंगी, तो बताओ कौन सी ऐसी ताकत है फिर सातों जमीन और आसमान में जो तुमको सहमत दे सके, जो तुमको तकलीफ दे सके, जो तुमको सता सके। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, जब तुम इबादत मजबूती से थामेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीकों पे अमल करेंगे, तो फिर तुमको कोई ताकत दुनिया की जहमत नहीं दे सकती। और एक बात याद रखना, बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना, अल्लाह बहुत तेजी से नाराज हो जाता फिर तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया कि वली अल्लाह और अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत का सवाब है। और जादूगर के पास जाके फिर उसका अपोजिट भी होगा ना, जादूगर के पास जाके तुम अगर बैठेंगे तो 60 साल की इबादत भी एक लम्हे में खत्म हो जाएगी। जैसा बोले अल्लाह कि कोई औरत के बारे में गीबत नहीं करना, कोई भी औरत के बारे में गीबत नहीं करना, अगर वो औरत नेक है और तुम उस पर तहमत लगा रहे कि उनमें फला फला के साथ घूम रही या एक्स वाई जेड चक्कर चला रही कुछ भी, तो फिर तुम्हारी 80 साल की इबादत रद्द हो जाती है। 80 साल की इबादत रद्द रद्द रद्द, 80 साल के तुम्हारे सजदे इबादत सारे रद्द कर दी जाते। तो इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। और दूसरी एक बात, तो वैसा ही अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत है, और जादूगर के पास जाके बैठेंगे फिर उसका भी तो अपोजिट होगा, अपना 60 साल की इबादत तुम्हारी लम्हे में खत्म हो जाएगी। और एक बात, बल्कि अल्लाह को अगर बुरा बोलते तो अल्लाह ने फरमा दिया, फिर हदीस नबी भी जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस खुद्दूसी जहाँ अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह क्या फरमाता है, और अल्लाह ने पहले बोल दिया कि जो मैंने कहा वो मेरे नबी ने कहे, और जो मेरे नबी ने कहे वो मैंने कहा। अल्लाह फरमा रहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है वो अल्लाह की जबान, जो अल्लाह की जबान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान। तो तुम एक बात याद रख लेना, क्या बताने वाला है कि वली अल्लाह के बारे में अगर दिल में जरा सा भी बूझ रखते हो, जरा सा भी कीना कपट रखते हो, जरा से भी बुरी रखते हो अल्लाह फरमा रहा मेरे वलियों के बारे में, तो फिर अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता, चलो अल्लाह के साथ जंग करने को तैयार होगा। हिम्मत
कोई है सातों जमीन और सातों आसमान में जो अल्लाह से टक्कर ले सके, हर चीज जानदार पे भी और बेजान पे भी अल्लाह हुकूमत करता। जब तो फिर फरमा दिया ना कुरान में कि हम जानदार से बेजान को पैदा करते हो, बेजान से हम जानदार को पैदा करते हैं। जानदार मुर्गी से बेजान अंडा पैदा होता और बेजान अंडे से जानदार मुर्गी बनती। तो ये सब अल्लाह का निजाम है, क्या पता ये सब बातें। जैसे तुम लोगों को बार बार ये बताता हूँ, तुम इसलिए बताना चाहता हूँ कि तुम लोग महफूज हो जाए हर मामलों से, हर चीज से। अल्लाह से तुम दुआ करो, तड़प के तिल खिला के ये सब चीजों से महफूज रख, महफूज रख, महफूज रख, तेरे हिफ्ज़ो अमान में रख। वरना तुम अगर कोई जादूगरों के पास में, इलाज वालों के पास में तुम अगर देंगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। एक तो तुम्हारे पैसे से भी इकोनॉमिक कंडीशन से कमजोर कर देते, दूसरा उल्टा नहुं से लग जाता तुम्हारे पीछे उलट पिलट करने से। क्योंकि उलट पिलट से, उलट पिलट वालों के बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है मामला, क्योंकि जादू जादू से नहीं कटता, जादू सिर्फ कटता अल्लाह के कलाम से, वो पढ़ने वाली जबान होना। वो जबान बनाओ, पढ़ो, जिक्र करो, अस्कार करो, एक जिक्र का मामूल बनाओ, कोई भी एक जिक्र को किया करो, एक टाइम बनाओ, इतने मिनट, इतने बज के इतने मिनट में बैठूंगा, ये नमाज के बाद बैठूंगा, इतने बार ही पढ़ूंगा। घर के अंदर ऐसा मामूल बनाओ कि सुबह में सूरह यासीन पढ़ो, सूरज निकलने के बाद और सूरज डूबने के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ो, तो फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने वादा करने वाला है कि तुम अगर सूरह यासीन सुबह पढ़ेंगे, सूरज डूबे तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब तुम अगर सूरज डूबने के बाद सूरह यासीन एक बार पढ़ेंगे मगरिब के बाद, फिर सूरज निकले तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और जब अल्लाह ने हिफाजत की ठान ली तो फिर, जब खुदा ने हिफाजत, जब अल्लाह हिफाजत की ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता। मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राहत दे देता और जान तो एक मच्छर भी ले लेता। जब हिफाजत की ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाले पर मकड़ी की चादर तानने लगा दिया था। और जब मुकद्दर में मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राह दे देता, मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर ने भी राह दे दिया था, रास्ता दरियाए नील में। दरियाए नील दुनिया की सबसे बड़ी दरिया है, समंदर का, समंदर बोलते हैं उसको, जब खुल गई रास्ता दे दी चले गए। और जिसकी मौत थी उसको गर्क करके अल्लाह ने हलाक कर दिया फिरौन को उसके अंदर पानी में, वरना एक जान तो मच्छर भी लेगा। नमरूद का वाकया पढ़ो, नाक में मच्छर ले जाकर जान ले गया। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब लोगों को अमल करने की तौफीक दे। और नमाज कंटिन्यू तुम एक 10-15 दिन पढ़ो, बाद में तुम्हारा पैसा हो जाता कि मोहब्बत पैदा हो जाती नमाज से, कुरान से, एक मामूल अगर तुमने बना दिया तो। बाद में तुम ऐसा नहीं पढ़े तो तुम्हारा दिल ऐसा बेचैन होता, चलो चलो चलो। जैसा कि जैसा बीड़ी पीने वाला सिगरेट पीने वाले को तलब होती है, सिगरेट पीना है, पीना है, पीना है, खाने बंद। जैसा चाय पीने वाले को तलब होती खाना खाने के बाद में, चाय पीना है, पीना है, बेचैन होती तबीयत, तो वैसा ही तुम्हारी तबीयत बेचैन होंगी अगर तुम अपने आप को इल्लल्लाह के नशे में डुबा देंगे तो। हर चीज का नशा है, चाय का नशा है, खाने का नशा है, पानी पीने का नशा है, ये सब वक्त पर उस तुम जा रहे हो, नशा तुम पूरा करके आ रहे, तलब पूरी करके आ रहे, सिगरेट पी के, बीड़िया पी के, वो खा के, वैसा अपने आप को इल्लल्लाह के नशे में डालो। इल्लल्लाह का जो नशा बोले आला है तो इबादत का नशा, वो ये नशा है। जब तुमको इबादत का नशा लग जाएगा तो जैसा तुम सिगरेट पीने वाला का तड़पता, दारू पीने वाला का दारू का तड़पता, वैसा तुम इबादत के लिए तड़पेंगे। और जब तुम इबादत के लिए तड़पेंगे तो समझ जाओ तुम इतने मजबूत हो जाते जाएंगे, कोई जादू टोने की हैसियत नहीं रहेगी तुम्हारे सामने। अल्लाह सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। चलो कुछ याद है कि अभी यहाँ क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ में कोई शय आई थी, उन्होंने आके सवाल जवाब करके चले गए, क्या क्या बोला सब देखो, तुम्हारा कुछ रिश्ता रख नाम दिखे। और दूसरी बात, इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या तुम्हारे यहाँ पे? हाजिर हुआ क्या कुछ हमारे सामने? फिर उसके बाद में दूसरी बात, अभी यहाँ आया था सवाल जवाब हुए, क्या क्या हुआ तुम्हारा कुछ याद है कि मेरे साथ सवाल आ रहे थे तो? हाँ कुछ भी नहीं, होता है किसके नाम आने के लिए क्या आने के लिए, देखो वो तो दास्तान है। नमाज 5 टाइम की पढ़ो, नमाज नहीं हो रही क्या? कई बाजार वो तुम्हारी तरफ की बहुत होने वाली थी, मगर तुम्हारी तरफ की रुका दी ऐसा उन्होंने उसमें बयान करा के। जिन्नात कबीस क्या था इस वजह, कितने बार आई आप, कितने बार में हाजिर हुआ? पहली बार में अच्छा, सबका अलग अलग रहता, किसका एक ही टाइम में हाजिर हो जाता, किसका जब का जब बता देते, किसका तीसरी चक्कर लड़ता, ये सब कुदरत का निजाम था, सब कुदरत के तरीके से चलता है सिस्टम। तुम्हारी नियत साफ है और तुम मेरे सामने आए तो तुम आप एक ही मिनट में बता देते, जब का जब जैसा इनको बता दिया, सबका अलग अलग रहता। इनका पहली बार में सामने आकर सब होगा खुलासा, मगर खैर क्या बोला सारी बातें, इबादत करना बस उतना ही बोलता हूँ उसके बाद। क्या बोलो? हाँ क्या बोलो तुम? 15 दिन से हम और हमारे पास जेब में पैसे भी नहीं, लोगों के लिए पैसा लेकर आए
तभी बर्बादी लगा के खत्म करने को इनको छोड़ डाला था। और इनके जबान से बोला ना, इनके सामने आ गया, इनको तो कुछ याद नहीं रहता, इनके सामने आया तो इनके पास याद नहीं था। खैर अल्लाह के दिन से ब्राइट कराते कुरान पढ़ने आते क्या खिलाया।